Dear students, assalamu alaikum. Hope you all are fine in your home, taking care of your health. Dear students, today I will teach you a story from 7th English. The name of the story is A Shadow. जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, उसका नाम है A Shadow. So, dear students, open your books and start reading the story, A Shadow. Do you know, whenever there is a light, someone follows you. Have you ever watched it? Who is it? There is a shadow. तो ये कहानी लिखी है आर के नारायण ने. किसने लिखी है? आर के ने. ठीक है बच्चों, तो आपने अपनी बुक्स निकाल लीजिए, अपने सामने रख लीजिए. हम अब ये कहानी पढ़ेंगे. सामू डिमांडेड, यू मस्ट गिव मी 4 आनास टू सी द फिल्म टुमारो. हिज मदर वॉज हॉरिफाइड. हाउ कुड दिस बॉय? शी हैड बीन ट्रेडिंग फॉर 6 मंथ पास्ट द अराइवल ऑफ द फिल्म. सैमू जो था वो डिमांड कर रहा था, मांग करते हुए उसने कहा, यू मस्ट गिव मी 4 आनर्स टू सी द फिल्म टुमारो. आप मुझे कल फिल्म देखने के लिए 4, आपको मुझे कल फिल्म देखने के लिए 4 आने देखने होंगे. वो किससे बोलता है? अपनी माँ से बोलता है कि कल आप मुझे 4 आने देंगे, मैं उससे आप जाकर फिल्म देखूंगा. हिज मदर वॉज हॉरिफाइड. उसकी माँ खौफजदा हो उठी, मतलब उसकी माँ डरी हुई थी, खौफजदा हो गई थी. हाउ कुड दिस बॉय? शी हैड बीन ट्रेडिंग फॉर 6 मंथ्स पास्ट द अराइवल ऑफ द फिल्म. ये लड़का कैसे वो फिल्म के आने के बाद 6 महीने से डर रही थी. हाउ कुड पीपल बियर टू सी हिम ऑन द स्क्रीन when they knew he was no more. लोग उसे पर्दे पर देखना कैसे बर्दाश्त कर सकते थे जबकि वो जानते थे कि वो अब जिंदा नहीं थे. उसका हस्बैंड 6 महीने पहले मर चुका था, इसीलिए वो डरी हुई थी, खौफजदा थी, सहमी हुई थी कि वो लड़का कैसे वो फिल्म देखेगा और वो लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे उसको फिल्म में देखेंगे. She had a vague hope that the producers might not release the picture out of consideration for her feelings. उसे थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि प्रोड्यूसर उसके जज्बात का एहतराम करते हुए, शायद फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे. किसको उम्मीद थी? उसकी माँ को ये उम्मीद थी थोड़ी सी कि शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसके जज्बात का वो एहतराम करेंगे. एंड व्हेन ए प्रोसेशन अपीयर्ड इन द स्ट्रीट्स विद यंग बॉयज कैरिंग प्ले कार्ड्स एंड ह्यूज कलर्ड पोर्ट्रेट्स ऑफ हर हस्बैंड, शी रिजोल्व्ड टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर अ व्हाइल. बट इट वाज ए डिसपरेट एंड अनप्रैक्टिकल रिसॉल्व. तब जब गलियों में एक जुलूस दिखाई दिया जिसमें छोटे छोटे लड़के इश्तिहार उसके हाउन के बड़ी बड़ी रंगीन तस्वीरें उठाए हुए थे, तो नाउ द पिक्चर हैड अराइव्ड. तब उसने एक इरादा कर लिया, उसने अपने मन ही में एक इरादा कर लिया कि वो कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर चली जाएगी. लेकिन जब उसने ये इरादा किया, लेकिन ये एक बिना सोच समझ वाला नाकाबिले अमल इरादा था. अब फिल्म आ चुकी थी. हर हस्बैंड वाज गोइंग टू स्पीक मूव एंड सिंग फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स ए डे इन दैट थिएटर 3 स्ट्रीट्स ऑफ. उसका हामन का हर रोज 6 घंटे तक बोलने, घूमने फिरने और गाने जा रहा था 3 गलियां दूर इस थिएटर के अंदर. तो 3-3 घंटे का शो था, 2 शो लगते थे दिन में. तो उसके हस्बैंड के गाने की, नाचने की, बोलने की आवाज आ रही थी. जब तक उसका इरादा ये बन गया मन ही मन में कि ये शायद छोड़ के मैं कहीं चली जाऊंगी, तब तक ये फिल्म आ चुकी थी. सामू वाज डिलाइटेड
as if his father had come back to life. Mother, won't you also come and see the picture? सेमो इतना खुश था मानो कि उसका वालद फिर से जिंदा हो उठा हो। अम्मी, क्या आप भी आकर फिल्म देखेंगी? वो इतना खुश था, उसको लगता था जैसे उसका बाप फिर से जिंदा हो रहा है। तो अपनी माँ को वो पूछता है कि अम्मी, क्या आप भी आकर फिल्म देखेंगी? नो, नहीं, प्लीज प्लीज यू मस्ट कम, प्लीज प्लीज मेहरबानी, बराए मेहरबानी आपको जरूर आना चाहिए। किसे बोलता है वो लड़का? अपनी माँ से बोलता है। She had to explain to him how utterly impossible it would be for her to see the pictures. The boy had a sort of toothless logic. Why should it be possible? Aren't you seeing his photos, even that big photo on a wall every day? उसे ये बात उसको समझानी पड़ी, किसको? अपने बेटे को, कि उसके लिए फिल्म देखना बिल्कुल नामुमकिन होगा, ठीक है ना? लेकिन लड़के ने उसे सख्त लहजे में जवाब दिया, ये नामुमकिन कैसे है? क्या आप उनके फोटो तो नहीं देखती रहती? दीवार पर लगा हुआ उनका बड़ा फोटो भी तो हर रोज आप देखती हैं। बट दीज फोटोज डू नॉट टॉक, मूव आर सिंग, उसकी माँ बोलती है, लेकिन वो फोटो बोलते, घूमते, फिरते या गाते नहीं है। एंड येट यू प्रेफर देम टू द पिक्चर विच हैज लाइफ, और फिर भी आप उन्हें फिल्म से बेहतर मानती हैं जिसमें वो जिंदा हैं। द होल ऑफ द नेक्स्ट डे सांबू वाज इन ग्रेट एक्साइटमेंट, पूरे अगले दिन सांबू जो था वो उतावला हो रहा था। इन हिज क्लासरूम व्हेनेवर हिज मास्टर टुक हिज आईज ऑफ हिम फॉर अ मोमेंट ही लीन्ड ओवर एंड व्हिस्पर्ड टू हिज नेबर। जमात में जब कभी एक पल के लिए उस्ताद की आंखें उससे हट जाती थी तो आगे झुक जाता था और अपने अपने वो हम जमात जो उसका पड़ोसी था, जो पास में बैठा हुआ लड़का था, दबे होंठों से बात कर रहा था, उसके साथ कानाफूसी कर रहा होता था। जैसे ही उस्ताद की एक मूवमेंट के लिए भी नजर अगर कहीं जाती तो माई फादर वाज $10,000 to act in that film. मेरे वालिद को इस फिल्म में अदाकारी करने के लिए ₹10,000 दिए गए थे। I am seeing it this evening. Aren't you also coming? आज शाम में उसे देखने जा रहा हूँ, क्या तुम भी आ रहे हो? किसे बोलता था वो? अपने क्लास फेलो को बोल रहा था। टू सी कुमारी हिज फ्रेंड स्निट, कुमारी फिल्म देखने के लिए उसके दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा। उन्होंने क्या किया? उसके मजाक उड़ाए। ही हेटेड तमिल पिक्चर्स, उसके दोस्त ने पहले मजाक उड़ाई और कहा कि वो तमिल फिल्मों से नफरत करता है। आई वॉन्ट इवन पास दैट अवे, वो तमिल फिल्मों से क्या करता है? नफरत करता है। मैं तो उस रास्ते से गुजरूंगा भी नहीं जिस रास्ते में क्या होगी, तमिल फिल्म चलती होगी। कौन बोलता है उसको? उसका दोस्त बोलता है। दिस इज नॉट लाइक अदर तमिल फिल्म्स, ये दूसरी तमिल फिल्मों के जैसी नहीं है। माई फादर यूज टू रीड टू अस द स्टोरी एवरी नाइट, मेरे वालिद हर रात हमें इस कहानी पढ़कर सुनाया करते थे। ही रोट द होल स्टोरी हिमसेल्फ, ये कहानी एक दिलचस्प कहानी है, पूरी कहानी उन्होंने खुद लिखी है। He was paid ₹10,000 for writing and acting. पूरी कहानी उन्होंने खुद लिखी थी, उन्हें लिखने और अदाकारी करने के बदले में ₹10,000 दिए गए थे। I will take you to the picture if you are also coming. मैं तुम्हें फिल्म देखने के लिए ले जाऊंगा अगर तुम भी आना चाहते हो। तो वो किसको बता रहा था? अपने दोस्तों को बता रहा था। I won't see the Tamil pictures. मैं एक तमिल फिल्म नहीं देखूंगा। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी तमिल पिक्चर, ये कोई आम तमिल फिल्म नहीं है। इट इज एज गुड एज एन इंग्लिश पिक्चर, ये एक अंग्रेजी फिल्म ही जितनी अच्छी है। कौन बोलता है? सिमू जो है वो बोलता है अपने दोस्तों को, लेकिन उसके दोस्त मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि हम ये जो है तमिल फिल्म वो देखनी हम पसंद नहीं करते हैं, जहां पर वो फिल्म लगी होगी हम उस रस्ते से गुजरना पसंद नहीं करते, तो फिल्म देखना। उसका बाप है इसलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा है, वो उनको बहुत फोर्स करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे मानते नहीं हैं। तो बच्चों, कल हम ये कहानी हम कंटिन्यू रखेंगे,
तो कल नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे, आगे देखेंगे ये कहानी क्या कहती है। ओके, टेक केयर।